खुदा ने जमीन और आसमान को एक नायाब हुस्न के साथ पैदा किया है। उसकी नायाब मुसव्वरी के रंग हमें हर तरफ देखने को मिलते हैं। जमीन हमेशा से ही अपनी खूबसूरती और कशिश के लिए जानी जाती है। कहीं हरे भरे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं नदी नाले और झरने, तो कहीं बयाबान और रेगिस्तान। इस जन्नत नुमा जमीन पर खुदा ने अपनी जिस मखलूक को सारी कुव्वतों और सलाहियतों के साथ भेजा, वो इंसान है। कुदरत ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। उसने अपनी फनी और तख्लीकी सलाहियतों का इजहार अपनी पैदाइश के आगाज के साथ ही करना शुरू कर दिया था। इसने अपनी कुव्वत इजहार के लिए वैसे तो बेशुमार रास्ते चुने, मगर इनमें मुसव्वरी को एक खास मुकाम हासिल है। इंसानी तहजीब की कहानी हमें आती है या हमें सुनी है या जिसके कुछ हमें वो निशान मिलते हैं, हजारों साल से मुसव्वरी चली आ रही है। इंसान ने जो भी शबीहें और तस्वीरें बनाई, वो उनकी एक दिन की ईजाद नहीं थी, बल्कि जमाने के साथ साथ उनमें बदलाव आता गया। पहले उसने जो तस्वीरें बनाई, वो उसके दिमाग और जहन के निहाखानों में बैठी वो तस्वीरें थीं जिसके बारे में वो सदियों से देखता और सुनता चला आया था। हमारा जो कला है वो धर्म से, आत्मा से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आइकॉनिक इमेजरी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। हिंदुस्तानी तहजीब काफ़ी कदीम और मुतनव्व है। सारी दुनिया में इसे एक ख़ास मुकाम हासिल है। ख़ास तौर पर मुसव्वरी के मैदान में उसकी अपनी एक लंबी और सर्री तारीख है। इंसान ने पहले जमीन पर जंगलों और फिर पहाड़ों में अपना आशियाना बनाना शुरू किया। फिर जब एक बार समाजी और तमद्दुनी जिंदगी का आगाज हुआ, तो फिर शुरू हुआ इंसानों का तरह तरह से तख्लीकी इजहार का सिलसिला। वैसे तो इंसान ने अपने तख्लीकी जौहर को सामने लाने के लिए तरह तरह के रास्ते और तरीके चुने, लेकिन इनमें मुसव्वरी को एक खास मुकाम हासिल है। ये इंसान के जहन, उसकी फैली सोच, उसकी तख्लीकियत को जाहिर करने का सबसे उम्दा जरिया है। माजी में भी था और आज भी है। हमारे आबाओ अजदाद इस सोच के बरखिलाफ थे कि इन्हें बाज तमद्दुनी जिंदगी का शऊर नहीं था। आगाज से ही वो जिद्दत फिक्र और खलाकाना सोच के लिए जाने जाते थे, क्योंकि खुदा ने उनकी तख्लीक ही इस नहज पर की है। वहाँ आप देखेंगे कि ज्यादातर ये मैजिक और रिचुअल्स के बारे में है, जिंदगी के अनमोल रूपों के बारे में है। वहाँ कुछ हंटिंग सीन्स हैं, और ऐसा भी लगता है कि शायद वो लोग ब्लैक मैजिक करते थे या कुछ ऐसी बातों में बिलीव करते थे, वूडू को बिलीव करते थे, क्योंकि उनमें जहाँ तक जानवरों की फ़ोटोएं हैं उनके बीच में कुछ लगता है कि उनको मारा गया है, या नृत्य के कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे लगता है कि कोई रिचुअल डांसेस होते थे। तो उन दिनों की क्या परंपरा थी, किस तरीके से वो लोग रहते थे, किस चीज़ों से उनको खौफ था, किस चीज़ से उनको प्रेम था, उन सब की गाथाएं उन्होंने इन मंदिरों इन गुफाओं के अंदर उन्होंने चारकोल और लाल रंग से बनाई है।
ہندوستان میں عہد قدیم میں انسانوں نے جن پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینی شروع کی اسے اپنی خلاقانہ سوچ اور تخلیقی ذہن کی بدولت سجانا اور سنوارنا شروع کیا۔ وہ دوسری مخلوقات کی طرح کسی ایسے ماحول میں رہنے کو تیار نہ تھا جو کہ عام طور پر وہ رہتے تھے۔ اسی لیے آغاز کے دنوں کی مصوری کے ہمیں جو نمونے ملتے ہیں وہ دراصل پہاڑوں، چٹانوں اور غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی مختلف رنگ و روپ کی تصویریں ہیں۔ اسے تاریخ کا سب سے قدیم عہد کہا جاتا ہے، یعنی پری ہسٹورک ٹائمز، اور جہاں پر مصوری کے یہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں اس مقام کا نام بھیم بیٹ کا ہے۔ سب سے پرانی جو کیو پینٹنگز ہیں وہ اباؤٹ 30,000 ایئرز اگو بھیمبھیٹکر کیوز جو مدھیہ پردیش میں ہیں، وہ سب سے پرانی اتہاسک کلا کا نمونہ ہے، جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اینیمل اسکن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یو نو جو کھاتے ہیں وہ جو اگتا ہے اسی کو کھاتے ہیں۔ پھر بعد میں تھوڑی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، پھر یو نو اینیمل ہنٹنگ کے ساتھ تھوڑی فارمنگ شروع ہوئی۔ اس کا زمانہ آج سے 5500 سال قبل مسیح کا ہے۔ ہندوستان صدا سے ہی دنیا کی دوسری تہذیبوں کے لیے بھی دلچسپی اور مطالعے کا موضوع رہا ہے، عہد قدیم میں بھی اور آج بھی۔ اس لیے ہندوستانی مصوری کو آغاز کے دنوں میں گریس اور روم کی تہذیبوں سے ہم آہنگ ہونے کا موقع ملا۔ ایرانی اور چینی طرز زندگی کی چھاپ بھی اس پر پڑی، خاص طور پر پہاڑی گفاؤں اور دروں میں مصوری کے جو نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان پر ان غیر ملک کی تہذیبوں کا اثر بے حد نمایاں طور پر دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ اثر آج بھی مختلف صورتوں میں ہماری جدید مصوری میں کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ جو جنگل میں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں کیول انہی کے بیچ میں سیل کلا دکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سب سبھی لوگ نہیں تھے، ان کے جو بھی کلا کی ابھیویکتی ہے یہ بالکل ہی جیسا پرکرتی کو سامنا یہ کرتے ہیں، ان کا بھائے ہوتا ہے یا بپر جائے کہ سامنا کرنے پڑتے ہیں تو ان کا ایک انسٹنکٹیو ریئیکشن پرتکریا ان کو ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لگ بھگ 1,00,000 برسوں سے بھی ادھک ہو گیا، ہم کو شیل چتر کلا کے پرمان ہمیں ملتے ہیں۔ تخلیقی ذہن کا یہ خلاقانہ اظہار آگے کے وقتوں میں جاری رہا، اور اس عہد کے کئی صدی بعد پہاڑوں کی گفاؤں میں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک نادر و نایاب اور عمدہ مصوری کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر جن رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ لال، سفید، ہرا اور نارنگی ہے، اور اسے مختلف معدنیات سے ملا کر بنایا جاتا تھا۔ یہ تصویریں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ اسے روا روی میں یوں ہی نہیں بنایا گیا ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص سوچ اور صلاحیت کار فرما رہی ہوگی۔ ایک بہت اچھا سین وہاں ایک کیو میں ہے، چھوٹی سی ایک کیو ہے جس میں کہ کوئی کسی کی موت ہو گئی ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے فیگرز بنے ہوئے ہیں اور ایک لیڈی منہ نیچے کو کر کے رو رہی ہے، مطلب یہ کہ آدمی نے کوشش کی ہے شروعات میں بھی کہ دکھ کی گھڑی بھی اس نے سب کے ساتھ مل کے کی ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ان موضوعات اور تکنیک میں بھی تبدیلی آتی گئی اور نئی شکلیں اور شبیہیں دیکھنے کو ملنے لگیں۔ ان تصویروں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ قدرت سے ان کا لگاؤ بے حد گہرا تھا۔ مصوری کے یہ نمونے ہمیں کئی مقامات پر دیکھنے کو ملتے ہیں،
और इसे मुख्तलिफ अद्वार पर बनाया गया है। ये चित्र बनाने वाले लोग ज़रूरी तौर पर कलाकार नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो कभी फुर्सत में या कभी संकट में या कभी किसी और मुकाम पर अपने आसपास को, प्रकृति को, विशेष प्रकृति को याद करने की कोशिश करते थे और उन्होंने ये चित्र उकेरे हैं। इसलिए उनमें एक अटपटापन है लेकिन एक सादगी भी है, उनमें एक तरह का कि लयात्मकता है जिसका रोज़मर्रा की लयात्मकता से सीधा संबंध था। गुफाओं और पहाड़ों में बनाई गई तस्वीरों में अजंता और एलोरा को एक खास मुकाम हासिल है। इन तस्वीरों को देखकर ये एहसास होता है कि इसे माहिर फन ने बड़ी सूझबूझ और उम्दा सोच के साथ बनाया है। पहली सदी कबल मसीह तक आते आते मुसफिरी को बाजाबता एक फन और असलूब के तौर पर वो मुकाम हासिल हो गया जो किसी फन को बरतने और उसे जीने के लिए ज़रूरी होता है। इसे हिंदुस्तानी मुसफिरी का सदांगा कहते हैं। इस मुसफिरी के 6 अज्जाए तरकीबी वज़ा किए गए जिस पर अमल करना एक मुसव्विर के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। इसे हिंदुस्तानी मुसव्विरी का 6 लिम्स कहा जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हर चीज का एक, जिसको कहते हैं, एक कैनन था और ये जो 6 लिम्स हैं इनको षडंग कहते हैं और षडंग इसलिए कहा जाता है, षड अंग, 6 अंग, तो 6 लिम्स ऑफ आर्ट इनको माना जाता है। और कहा जाता है कि जो ह्यूमन फ्रेम होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके भी 6 अंग होते हैं, सर है, धड़ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो इस तरीके से ये जो 6 लिम्स ऑफ आर्ट मानी जाती हैं उनमें उनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि लावण्य होना चाहिए, सदृश्यम जिसको वह सिमिलिट्यूड कहते हैं, सदृश्यम होना चाहिए, अंगिका भरणम जिसमें रिदम और मूवमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके के ये 6 लिम्स माने जाते हैं जो कि शरीर के 6 भागों की तरह हैं। वत्स्यायन जो 3री सदी कबल मसीह में पैदा हुआ था और जिसे फन मुसव्वरी को एक लाजवाल शोहरत अता करने का सुनहरा मौका नसीब हुआ था, उसने अपनी मशहूर किताब कामा सूत्र में मुसव्वरी की अज्जाए तरकीबी का बेहद खूबसूरत और खल्लाकाना इस्तेमाल किया है और दौरे जदीद में अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने इस मौजू पर कई खूबसूरत मुकाले लिखे हैं। जिन 6 अज्जाए तरकीबी को बेहतर मुसव्वरी के लिए जरूरी करार दिया गया है उनमें सबसे पहला मुकाम रूप भेद का है, यानी इस बात का इल्म होना कि जो तस्वीर फनकार बनाने जा रहा है उसका जाहिरी रंग रूप कैसा होगा। दूसरा है परनानम, जिसका मतलब होता है कि इस बात की बेहतर समझ पैदा होना कि एक तस्वीर को कितना बड़ा और किस पैमाइश का होना चाहिए। तीसरा भाव, यानी आपके एहसासात आपकी मुसव्विरी में किस तरह नुमाया होते हैं। चौथा है लावण्य योजना, यानी मुसव्विरी में सादगी, तख्लीकियत और फनकारी को गहराई से जगा देना। पांचवा है सादृश्य, यानी तशबीह, और छठा है वारंग भंग, यानी रंगों और ब्रश का खूबसूरत इस्तेमाल। ये 6 अहम अज्जाए तरकीबी मुसव्विरी के लिए उस जमाने में भी अहम करार पाए गए और जदीद अहद के फनकारों के लिए भी ये ज़रूरी माना जाता है। अजंता एलोरा का जो इम्पैक्ट है इंडियन आर्ट पे आज तक चला आ रहा है, ये आप हमारे जो आज के आर्टिस्ट भी हैं उनकी फिगरेशन में, जो वो ह्यूमन फिगर बनाते हैं उसमें आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, तांत्रिक,
लैंडस्केप सबकी इम्पोर्टेंस रही है, लेकिन फिगर हमेशा से साथ के साथ चला आ रहा है। बौद्ध जमाने की मुसव्वरी में ज्यादातर जिन तस्वीर को जगह दी गई है वो राजाओं के महलों और अमीर उम्रा के घरों में सजावट और खूबसूरती के तौर पर बनाई जाती थीं। लेकिन बदकिस्मती से उनमें ज्यादातर वो तख्लीकी जौहर बदलते वक्त और इम्तदाद जमाना के साथ नापैद हो चुकी हैं। बुद्धिस्ट पांडुलिपियां बनाई गई पार्चामेंट पे, ताम्रपत्र पर, और इस तरीके से अनेक चीज़ों में कागज़ आने से पहले। तो सिर्फ लिखावट नहीं थी, समय के अंतराल के बाद में इनमें परिवर्तन आया, इनमें काफ़ी चेंजेस आए, और साथ में इनके ऊपर बेसिक प्राइमरी कलर्स से नील से निकाला हुआ नीला, और पेड़ों की जड़ से निकाला हुआ लाल कलर या सिंदूर से बनाया हुआ लाल कलर, गौमूत्र से बनाया हुआ येलो कलर, शंख से निकाला हुआ सफ़ेद कलर, और काजल जो आदिकाल से लोगों को बहुत ही फेवरेट रहा है, लकीर बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए काला कलर यूज़ किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने की मुसव्वरी के अनोखे असलूब को आज भी जदीद मुसव्विर किसी न किसी रूप में इख्तियार करते दिखाई देते हैं। हिंदुस्तानी मुसव्विरी का मुताला अगर एहद कदीम से आज तक किया जाए तो रंगोमानी के एतबार से इसमें कई चीज़ें नुमाया नज़र आती हैं। जैसे आगाज में मुसव्विरी का रंग मजहबी रंग में खासा रंगा नज़र आता है। जो तस्वीरें बनाई गईं उनमें जिस तरह अलामात इस्तेमाल किए गए वो मजहब और मजहबी अकायद और रसूम से ज़्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं। जनता के अंदर भी हम देखते हैं तो वो बुद्धिस्ट कला है, उसमें पूरे जितना चित्रण है और जितना भाव, जितनी जातक कथाएं हैं पूर्ण रूप से महात्मा बुद्ध के ही जीवन को चित्रित करती हैं, और वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्धिस्ट दर्शन या बुद्धिस्ट विचारधारा से ही जुड़ी हुई हैं। एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से धार्मिक चित्र हैं। अजंता आर्ट के बाद जब हम देखते हैं, जब पांडुलिपियों का विकास हुआ तो जैन चित्रकला और पाला स्कूल यानी बुद्धिस्ट चित्रकला दोनों का विकास हुआ, और दोनों पूर्ण तौर से धार्मिक हैं। लेकिन जैसे जैसे तमद्दुनी और माशरती जिंदगी में तनव्वो निखार आता गया, मुसव्विरी का ये रंग न सिर्फ मुतनव्वो होता गया बल्कि और हसीन से हसीन तर होता गया। इसमें तहजीब और सकाफत और रिवायत का रंग गालिब नजर आता है। हिंदुस्तानी मुसव्विरी को कई हिस्सों और अदवार में मुनकसिम करके आसानी से समझा जा सकता है। इसकी दो खास किस्में हैं, एक है म्यूरल्स और दूसरा मिनिएचर पेंटिंग्स। म्यूरल्स मुसव्विरी के वो नमूने हैं जो हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में उसकी दीवारों पर मुनक्कश दिखाई देते हैं। कैलाशनाथ मंदिर में इसके उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं, और इसके मुकाबले में मिनिएचर पेंटिंग्स छोटे पैमाने पर कागज या आमतौर पर कपड़ों पर बनाई जाती थी। अजंता की जो कला है उसमें साफ दिखता है कि शुरुआत के समय वो कला एक ताकतवर कला थी, जिसमें जो उसकी फिगर्स थे वो बड़े फाइनली डिलिनिएटेड थे, और फिर जब एक धार्मिक तरीका आ जाता है तो हमारे पास वो केव भी है जहाँ पर 500 बुद्धा स्टैम्प ऑन किए गए हैं। तो जो पहली चीज़ हम सीखते हैं अजंता से कि कला में उतार और चढ़ाव आते हैं। दूसरी चीज़ जो हम अजंता से सीखते हैं वो ये है कि हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं उन्होंने काफ़ी आधुनिक चीज़ों को एक पुश दिया है।
बंगाल का पालसो को मिनिएचर पेंटिंग में हिंदुस्तान में महारत हासिल थी, लेकिन इस फन को उरूज हासिल हुआ मुगल अहदे हुकूमत में। इसी जमाने में एक से बढ़कर एक नामवर मिनिएचरिस्ट पैदा हुए और उन्होंने अपनी लाजवाब फनकारी और मुसव्विरी से सारी दुनिया को हैरानो मबहूत कर दिया। बिलाशुबा कदीम हिंदुस्तानी मुसव्विरी की जो दाग बेल पड़ी वो आगे चलकर बेपनाह कबूलियत और मकबूलियत का दर्जा हासिल करती गई। भारत में मुगलों के आने से पहले या मुगल चित्रकला के प्रादुर्भाव या विकास से पहले जो भारतीय चित्रकला का स्वरूप है वो सामान्य रूप से अक्षरशः या पूर्ण रूप से ये बात कही जा सकती है कि वो धार्मिक विषयों से धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरित है और इस तरह से वो कला एक प्रकार से सकलर स्वरूप उसका नहीं है बल्कि उसका पूरी तरह से धार्मिक स्वरूप है। पहली बार अकबर के दरबार में एक हमें सेकुलर आर्ट या जनजीवन का एक साधारण चित्रण जो कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी धर्म पर आधारित नहीं है या किसी विशेष धर्म को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है, इस प्रकार के चित्रों का उद्धरण किया गया। मुसव्विरी की एक कदीम रिवायत ताड़ के पत्तों पर बनाई जाने वाली तस्वीरों की भी रही है। ये रिवायत बड़ी खूबसूरती से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही है। इसमें लिखी इबारत ज्यादा होती थी और इसे पुरकशिश बनाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी उम्र 300 से 400 साल तक होती थी और फिर दोबारा इसे रिप्रोड्यूस किया जाता था। इन तस्वीरों के मौजूआत मजहबी होते थे। ये कलम और ब्रश से बनाई जाती थी। इसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उस पर एक लेप का भी इस्तेमाल करते थे। इन तस्वीरों को बनाने के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो कुदरती तौर पर फूलों से पाए जाने वाले रंगों से बनाया जाता था। मुसव्विरी के कदीम नमूनों में कल्पसूत्र भी है जो जैन मजहब के बानियों पर मबनी है, जिसका दौर 1375 से 1400 कबल मसीही है। भीम बेटका और अजंता एलोरा की तस्वीरें सदा से हर जमाने के मुसव्विरों के लिए इस फन की बारीकी को समझने और सीखने का एक अहम जरिया रही हैं और इससे मुतासिर होकर बेशुमार तस्वीरें बनाई गई हैं।